आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में उषा जी और सुधीर जी के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं वीलुकअप के ट्रिक्स के ऊपर, कि जो जनरली वीलुकअप हमने पिछले दो क्लासेस में वीलुकअप को पढ़ा, हमने एच लुकअप को पढ़ा, मैच को पढ़ा, इंडेक्स को पढ़ा, एक्स लुकअप को पढ़ा और साथ में ऑफसेट को भी पढ़ा। अब बात करते हैं ट्रिक्स। जैसे आपके सामने दिख रहा है कि मेरे पास सिटी है और नेम है, राइट? तो मैं चाहता हूं कि पुणे में राजू ने कितना सेल किया। राजू नीचे भी है, यहां भी है, पटना भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पुणे में राजू ने कितना सेल किया। अब मेरे पास दो कंडीशंस हैं। अब इस दो कंडीशंस को ना वीलुकअप लगा सकता है, ना एक्स लुकअप लगा सकता है, और ना ही मैच इंडेक्स, कोई भी फॉर्मूला नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा वो एक किसी एक कंडीशन को किसी एक कंडीशन में मैच करेगा। राइट सर? अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको इतना पता है, आपके पास नंबर है, नंबर है, और इतना पता है कि राजू और पुणे वन टाइम है, रिपीट नहीं है, तो यहां पे आप सम इफ्स लगा सकते हैं। सम इफ्स, सम रेंज, इसको सिलेक्ट किया, सिटी को सिलेक्ट किया, नेम को सिलेक्ट किया, राजू को सिलेक्ट किया। बट प्रॉब्लम यही है कि राजू और पुणे और राजू है ना, पुणे और राजू अगर डबल टाइम आया तो यहां पे सम आ जाएगा। एक से मोल कीजिएगा, सॉरी, तो ये दिक्कत होगा, इसलिए सम का प्लान कैंसिल। दूसरी चीज क्या है कि ये सिर्फ नंबर पे वर्क करेगा, अगर इसके जगह पे कोई आईडी वाईडी और टेक्स वेक्स हो तो वर्क नहीं करेगा, समझे? क्योंकि सम तो नंबर ही करता है ना सर। तो सम वाला प्लान आप कैंसिल कर दें। अब कैसे करें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक कॉलम ऐड करना होगा, फिर इन दोनों के बीच में हम यहां कॉन्ग्रेनेट करेंगे, मतलब हम सिटी को और नेम को डैश के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आ गया सर कि पुणे, जयपुर, पटना क्या है, सब कुछ दिख रहा है। अब यहां हम भी लुकअप लगाएंगे, तो यहां भी हम इसको आपस में डैश से मैच कर देंगे, और यहां पे 4, 4, 0, समझ गया सर? धीर जी, उषा जी, सर एक और बार फार्मूला समझाइए सर प्लीज। ये तो समझ गई, कॉलम ए को अपने ऐड किए ना, कंसेप्ट को समझिए कि हमारे पास नेम सिटी और जनवरी, मतलब कि हमें कोई वैल्यू लुकअप करना है, लेकिन हमें दो कंडीशन मैच करनी है। वी लुकअप में ऐसा नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया कि एक यूनिक आईडी बना दिया, एक नया कॉलम ऐड किया, इन दोनों का आपस में ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हुआ कि एक नया कॉलम बन गया, एक नया आईडी बन गया। जब यहाँ वी लुकअप लगाएंगे तो यहां भी दोनों को मर्ज करना होगा, तो जैसे यहां पे हमने दोनों को मर्ज किया है, जैसे यहां भी दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है? बाकी नॉर्मल जो वी लुकअप लगाते वही है सर। बट ये अगर ये नीचे रिपीट हो गया पुणे और राजू दोबारा, तो ये तो पहला नंबर उठाएगा, पहला दिखाएगा, तो मैनुअल काम ही हुआ एक तरीके से। पहला दिखाएगा सबसे ऊपर वाला स्टार्टिंग, तो समीफ लगा, अगर टोटल चाहिए आपको तो समीफ यूज कर लीजिए ना, इसलिए तो मैं शुरुआत में समीफ बताया कि आपको नंबर को सम करना है तो दीजिए, ठीक है? और दूसरा तरीका वी लुकअप लिस्टिंग है, जो कि आगे क्लास में बताऊंगा कि रिपीटेड वैल्यू को कैसे लुकअप किया जाता है, ठीक है ना? ये आगे क्लास में समझाऊंगा। अब बात करते हैं कि मेरे पास डेटा है, इसको मैं हटा देता हूं और ए सिटी डेटा देता हूं। अब जैसे कि कभी कभी डेटा हमारा दिल्ली है, और कभी होता है न्यू दिल्ली हो जाता है, कभी दिल्ली होता है, कभी न्यू दिल्ली हो जाता है। अब यहां पे अगर हम दिल्ली के अकॉर्डिंग वी लुकअप करते हैं तो क्या होगा?
से दिल्ली लुकअप हो रहा है, हो रहा है ना सर? लेकिन जैसे मैं यहां पे न्यू दिल्ली करता हूं क्या हो जा रहा है? न्यू जा रहा है क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर रहा है। आप बोलेंगे सर यहां जो आपने फॉल्स लगा रखा, जीरो दे रखा है, फॉल्स दे रखा है, यहां पे वन कर दीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना होगा, मुझे इसके आगे पीछे स्टार लगा देना होगा। स्टार लगाने से कंटेंट हो जाता है, मतलब दिल्ली है या न्यू दिल्ली है, दोनों केसेस में यहां टोटल 48 शो करेगा। समझे सर? स्टार का मतलब क्या हुआ उसमें लगाने से? लाइक कमांड हो गया। स्टार का मतलब हो गया, आपने कभी फोल्डर में सर्च किया है? जैसे मान लीजिए मुझे फोल्डर में सर्च करना है इसमें माय डॉक्यूमेंट में, अब मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि आधार कार्ड मान लीजिए सर्च करना है, अब आधार कार्ड का मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया, स्टार ऊपर सॉरी यहाँ स्टार यू आई डी कर दिया। तो अब यू आई डी लास्ट में होना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी होगा, समझे? दोनों तक लगा दिया तो यू आई डी कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे बीच में, इसको कंटेंट कहते हैं, राइट सर? ये स्टार्ट किसे हम लोग एक्सेल की फाइल चाहिए तो स्टार डॉट एक्सलेस करते हैं ना, मतलब कि स्टार से आगे कुछ भी नाम हो सकता है लेकिन एक्सटेंशन डॉट एक्सलेस होगा, इसलिए स्टार लगाते हैं सर, इसको कंटेन कहा गया। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप करते हैं ना कंटेन विद, कंटेन विद, इसमें तीन है ना, कंटेन हो गया, स्टार्ट भी हो गया, एंड भी हो गया ना, समझ गए सर? हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि दिल्ली होगा। अब इसमें अगर मैंने स्टार लगाया और दिल्ली कर दिया, अब स्टार से दिल्ली से पहले न्यू हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ओल्ड न्यू कुछ भी हो सकता है, बट लास्ट में दिल्ली होना चाहिए। दिल्ली पहले लगाया, लास्ट में आप स्टार लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि दिल्ली के बाद कुछ भी हो सकता है, दिल्ली रोड या कुछ भी हो सकता है, बट दिल्ली से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, राइट सर, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नो सर। अब इसमें एक चीज और भी है कि यहां पे होता है क्या है कि सिटी होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस में पिन नंबर होता है, समझे? या फिर मान लीजिए ना कि कोई कोड है 333 डी 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 डी, अब मुझे ये नहीं पता, अब यहां पे 333D हो सकता है, 333F हो सकता है, यहां पे T20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता इसमें क्या है, बस हमें जस्ट इतना पता है कि तीन लेटर का है, समझे? तो आप यहां पे 3 क्वेश्चन मार्क लगाएं और यहां पे आप लगाएं लुकअप, इसको सिलेक्ट करें और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करें, कॉमा 2,0, समझ गए? इसमें क्या होता है सर, ये जितने जितने भी थ्री लेटर वर्ड होंगे, थ्री एनी क्वेश्चन मार्क, थ्री क्वेश्चन मार्क अगर नॉट दिखेगा एम ओ आई होता है करेक्टर सर, सर थ्री क्वेश्चन मार्क मतलब समझे, थ्री एनी लेटर, कोई भी तीन करेक्ट। ओ ओ नहीं सर, पहला अक्षर पी यू एन होता तो ना ना ना, थ्री लेटर्स है ना, T20 थ्री लेटर्स हो गया इसीलिए वो 32 डाल दिया, इसकी लेंथ 3 होनी चाहिए सर, फिर हम लोग 4 क्वेश्चन मार्क डाले तो फिर 4 वाला आउट आएगा। जी जी ओके, समझे? सुधीर जी कुछ समझ में आया कि नहीं सर? इसके आगे जैसे मैं ये 3 क्वेश्चन मार्क है, पी करके 3 क्वेश्चन मार्क कर देता तो ये पुणे उठा लेता है क्या? टी करके नहीं नहीं, इसी क्वेश्चन मार्क के आगे मैं पी कर देता, पी फॉर पीटर, पी करके क्वेश्चन मार्क कर देंगे तो पुणे उठाएगा ना जी।
समझदार हो गए सुधीर जी। नहीं सर, ये मैंने एक लगाया था एक बार, ये छे मेरे मतलब कि मेरे बिल नंबर होते हैं ना, ये मेरे जैसे बिल नंबर डीडी होते हैं, बिल नंबर वगैरह होते हैं या कंट्री कोड वगैरह होता है, जब आपको पता चलता हो स्पेशल कुछ स्पेशल करेक्टर क्या बोलते हैं सर उसको। हाँ कुछ भी लेते, जैसे कि कभी कभी क्या होता, जैसे हम लोग क्या होता था कि चेक बाउंसिंग होता था समझे, तो चेक बाउंसिंग में चेक नंबर के आगे हम लोगों का कंट्री ये होता था, कोड होता था, एजेंसी कोड होता था, ठीक है। तो एजेंसी कोड हम अपना जितना डिजिट का हमारा एजेंसी कोड है उतना डिजिट का क्वेश्चन नंबर एजेंसी कोड ला देते, उसके बाद चेक नंबर का छह क्वेश्चन नंबर ला देते, इसका यूज हम लोग कर सकते थे। आगे बढ़े, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ यही चलता है, इसमें इस तरह का नहीं कि ग्रेटर दैन लेस दैन इस तरह की चीजें नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सर। आगे बढ़ते, तो हमने आपको एक एग्जांपल और ये आपका इस एग्जांपल बताया, अब अगली ट्रिक्स पे आते हैं। अगला ट्रिक से है कि वी लुकअप में हमेशा हम लोग जीरो डालते हैं ना, इसे जीरो से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल है, जैसे कि यहां पे 0 to 40 से मैं 500 देना चाहता हूं, 41 to 80 1000 देना चाहता हूं, 81 to 100 1500 आ जाता हूँ, 5000 और ग्रेटर देन 10 पे। अब इसके लिए बोले कि सर इसके लिए तो हमने इफ कंडीशन लगाया था ना, ये वी लुकअप से भी हो सकता है, कैसे, बस आपको लिखना होगा तरीके से 0, 41, 81 and 101 मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, सबका स्टार्टिंग पोजीशन देना होगा, यहां पे डाला लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा 2, 0 अब जीरो करेंगे तो एग्जैक्ट मैच करता है, जीरो की जगह पे 1 या ट्रू करते हैं, 5000 आ गया। ये क्या करता है, ग्रुप लुकिंग, ग्रुप लुकिंग करता है, ये देखता है कि 85 किसके बिटवीन है, इसके बिटवीन है तो फिर इसको शो करेगा, समझे सर। तो किसी ने आपसे पूछ दिया कि यहां पे 0, 1 का क्या फंडा है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट सर, दोबारा बताए 0 और 1 का। यहाँ पे 1 अगर यहाँ पे 1 करते हैं तो ग्रुप लुकिंग करता है कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो किसके बिटवीन है, किसके नियरेस्ट है, okay. मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए 99 देता हूं फिर भी हमारा 5000 आएगा, जैसे मैं यहाँ पे 102 डाला यहाँ पे देखिए 10000 आ गया। सही से, लेकिन इसका यूज हम लोग लुकअप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू एंड रिजल्ट वैल्यू। लेकिन बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि लुकअप फॉर्मूले में हम वैल्यू को डायरेक्ट थर्ड ब्रैकेट में डाल सकते हैं, 0, 41, 81, 101 अगेन 500, 1000, 5000, 10000 गए। हाँ जी सर, तो हमने एक जार एक ट्रिक्स आपके सामने डिस्कस की, आगे भी ट्रिक्स है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा।